रिक्वायरमेंट आती है अपने दिमाग के अंदर, वो आती है अपनी फ्लोरिंग को कंप्लीट करने की, यानी कि मार्बल लगवाने की। और बिना मार्बल लगाए बिना आपका घर घर नहीं रहता है, वो अच्छा नहीं लगता है। फर्श लगवाना ही सबसे अपनी मेन प्रायोरिटी रहती है, और उसका सिलेक्शन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, और सबसे जो कंफ्यूजिंग चीज़ होती है कि इसमें फ़र्श कौन सा लगवाना चाहिए, उसके लिए कौन से मार्बल का अपने को सिलेक्शन करना है। ये बहुत एक टिपिकल वो रहता है। कई लोग जनरली सोचते हैं कि अपने को वाइट मार्बल लगाना है, वो बिल्कुल क्लियर कट होते हैं तो वाइट मार्बल लगाते हैं। बट कुछ लोग कुछ नया लगाना चाहते हैं। आज के टाइम में जैसे जो मार्बल लग रहे हैं, जो इटालियन मार्बल का कुछ चलन ज़्यादा है, और इटालियन हर किसी के लिए अफोर्ड करना भी बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि उसकी रेट्स भी 180 से स्टार्ट होती है, तो ऊपर में वो 250, 300, 400, 500 एंड मच अबव, कितना भी उसकी रेट अकॉर्डिंग टू लॉट होती है। तो ऐसे कुछ मार्बल्स अपने इंडिया में भी हैं जो लुक लाइक जस्ट लाइक इटालियन होते हैं, और रेट काफ़ी उनके अफोर्डेबल रहती है, जो कोई आम आदमी आराम से अपने घर को इटालियन के शेड में डेकोरेट कर सकता है। तो आज का जो थीम है, मैं आज अपने इंडियन मार्बल्स जो कुछ ऐसे ही में हैं जो अपने को लुक लाइक बिल्कुल इटालियन फील देंगे, और रेट आपको इंडियन वाली ही फील देगी, उसकी रेट आपको बिल्कुल इकोनॉमी रहेगी। तो इसी टाइप के जो कुछ मार्बल्स हैं मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। मैं विजय जैन श्री वर्धमान सागर मार्बल से, चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, लॉट की तरफ चलते हैं। आइए देखिए ये लॉट। अब फर्स्ट लुक इस लॉट का देखने के बाद में अपने को बिल्कुल भी ये जजमेंट नहीं हो सकता है कि ये इटालियन है या इंडियन मटेरियल है। तो इसका लुक और साइज़ देख के आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल कोई इटालियन का ही, मैं आपको शीट दिखा रहा हूँ, कोई इटालियन का ही पत्थर दिखा रहा हूँ। कलर टेक्सचर बिल्कुल सेम इटालियन के जो मार्बल आते हैं टर्की के, इटली के, जो बेज कलर आते हैं सेम वो का वो ही कलर है, बट एब्सोल्युटली ये एक इंडियन मटेरियल ही है। तो ये लगने के बाद में डेफिनेटली आपको एक इटालियन लुक ही देगा। अगर यही लॉट आप कोई इटालियन के शेड में देखते हैं जहाँ पे इटालियन मार्बल रखा हुआ है, अगर वो आपको इटालियन बता दे तो आप डेफिनेटली इसको जज नहीं कर पाओगे कि ये इंडियन है या इटालियन है। थिकनेस भी इसकी प्रॉपर 18 mm है, और सुपर हार्ड मटेरियल है, दो पीस हमने इसके पॉलिश करा रखे हैं। और इसकी प्राइस की मैं बात कर दूँ तो ये आपको 120 rupees के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। इसका एक लॉट ये है और एक लॉट ये रहा। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के लॉट हैं, 3,500 square feet के ये लॉट है। अभी मैं कुछ ही सैंपल दिखा रहा हूँ, स्टॉक काफ़ी अवेलेबल है इसका, मिल जाएगा आपको। एक लॉट ये देखिए आप, पैटर्न आप इसका देखिए, एकदम लाइनिंग पैटर्न के अंदर है, और काफ़ी बेज कलर के अंदर सेम इटालियन फील देने वाला लॉट है ये। चलिए बढ़ते हैं कुछ अपने अगले लॉट की तरफ। दोस्तों क्वालिटी का नाम है वंडर वाइट मार्बल, ये इसका बिल्कुल सुपर डुपर प्रीमियम लॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी इस वक्त। लगभग 2,500 square feet का ये लॉट है, और इसकी जो थिकनेस जो आती है वो 17 mm थिकनेस के अंदर ही आता है। प्योरली इटालियन शेड के अंदर आपको ये लगेगा लगने के बाद में, और इस पर जो पॉलिश है वो नॉर्मल इंडियन वाइट मार्बल से काफ़ी बेटर आती है, बहुत स्मूथ मटेरियल है ये। इसकी प्राइस रेंज की मैं आपको बात करूँ तो ये 40 rupees से लेके ऊपर में 180 rupees तक में ये हमारे पास में अवेलेबल है। क्वालिटी का नाम है ओनेक्स वाइट, ये इंडियन ओनेक्स मार्बल है, और ये सेम जो बाहर के ओनेक्स आते हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ के, उसी की तरह एक ये लाइट रिफ्लेक्शन का भी काम करता है। अगर आपको ये फिर से फ्लोरिंग में लगाते हैं आराम से, इसको फ्लोरिंग में ही लगता है ये फ्लोरिंग के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल है, लुक काफ़ी अच्छा है इसका। और जो अपन जैसे LED बैकलाइट के लिए अपन पीछे से लाइट ट्रांसपेरेंट करते हैं, या कहीं पे अपने को हाईलाइट करना है लाइट पीछे से इसमें ट्रांसपेरेंट करके, तो इस लॉट्स में भी आराम से आप पीछे जब लाइट्स लगाएंगे तो उसकी पूरा लाइटिंग आपको बाहर निकलते हुए मिलेगी। बाहर के जो ओनेक्स हैं लगभग 700-800 rupees से स्टार्ट होते हैं, और ऊपर में काफ़ी हेवी रेंज तक जाते हैं, लाइक 3,000-4,000 rupees पर स्क्वायर फीट के रेंज तक जाते हैं। ये जो मटेरियल है ये आपको 60 rupees से लेके 95 rupees तक की रेट में हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। ओनेक्स में जो और लॉट अवेलेबल हैं ये देखिए, एक नंबर पर ये पड़ा, एक ये वाला देखिए, एक ये वाला, तीनों लोट आप देखिए बिल्कुल सेम इटालियन कंसेप्ट में ही आते हैं ये मार्बल। क्वालिटी का नाम है ओलिव ब्राउन, ये भी बिल्कुल सेम आपका इटालियन वाला लुक टेक्सचर के अंदर ये अपने पास में अवेलेबल है। क्रीमिश वाइट इसका जो बेस है ये आपको सेम इटालियन लुक ही देता है पत्थर को। तो उसकी थिकनेस की अपन बात करें तो ये 20 mm थिकनेस में अवेलेबल है,
जो बिल्कुल जो कम्पीट करती है इटालियन मार्बल्स जो हेवी थिकनेस के अंदर आते हैं, सेम वैसी थिकनेस में मिलेगा और लुक और पॉलिश काफ़ी ज़बरदस्त है इस मार्बल के। इसके और भी लोड्स ये भी पड़े हैं हमारे पास में, स्टॉक हमारे पास में इसका हमेशा अवेलेबल रहता है। ये कुछ लोट और हमारे यहाँ पे शोरूम पे पड़े हैं और हम इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 75 रुपीज़ की रेट में यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है। क्वालिटी का नाम है ब्लैक मार्किनो, ये भी एक इंडियन और राजस्थान में माइनिंग होने वाली क्वालिटी है। ब्लैक कलर का इसका लुक है, ब्लैक कलर के अंदर ये जो वेन्स जा रही है ये काफ़ी सुंदर लगती है आफ्टर फ्लोरिंग। जब इसकी जो फ्लोरिंग होगी एक पीस जब जॉइंट होता हुआ चलेगा, जब इसका जो फिगर बनेगा वो डेफिनेटली बहुत ही अट्रैक्टिव फिगर आता है इसका बनके। और इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस के अंदर ये है, ओनली 60 रुपीज़ स्क्वायर फिट के अंदर ये यहाँ पर अवेलेबल है। इसका एक लोट ये सामने भी पड़ा है जो इससे भी बिग साइज़ में है, ये भी 60 रुपये की प्राइस के अंदर ही है। किसी को डार्क शेड लगाना पसंद है घर के अंदर तो काफ़ी रिच लुक लगते हैं डार्क शेड भी, तो डेफिनेटली इस कलर के लिए जा सकते हैं आप। एक ये क्वालिटी आप देखिए, ये क्वालिटी आपको मिलेगी, इसका नाम वैसे तो रोजो लेवन तो है, ये एक टर्की का मटेरियल आता है, सेम टू सेम उसी की ही रेप्लिका है जो अपना ये इंडियन मटेरियल है। ये 20 mm थिकनेस के अंदर अपने कटाया हुआ है और कंप्लीट पीस आपको इसके पॉलिश्ड मिलेंगे। अब जो टर्की से जो मटेरियल आता है रोजो लेवन, तो उसकी जो प्राइस रेंज होती है यहाँ पे जो ओरिजिनल जो बाहर से आता है वो 250 से लेके 350-380 रुपीज़ तक की उसकी प्राइस रेंज एक्चुअल होती है। और ये जो मटेरियल है क्योंकि ये इंडियन है और लुक लाइक आपको 1 mm का भी दोनों में कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल डिक्टो लुकिंग है, इसकी प्राइस है 150 रुपीज़ में और कंप्लीट पॉलिश्ड आएगा। इसको आप एप्लीकेशन एरिया है, आप स्टेयर्स वगैरह में आपको हाईलाइट करना है स्टेयर्स में लगा सकते हो, बाथरूम में बहुत सॉलिड लगेगा लगा हुआ, बाथरूम में भी फुल फ्लोरिंग में आप लगाइए। अगर आप अफोर्डेबल आपको रेंज लगती है तो डेफिनेटली आप इसको फुल फ्लोरिंग के लिए भी यूज़ ले सकते हैं या पार्शियल आप उसको यूज़ भी ले सकते हैं। ये तीनों लोट आप देखिए कम्प्लीटली सिमिलर एक ही लाइनिंग में अलाइन लाइन है, तीनों बिल्कुल सीधे लाइनिंग के लोट हैं। क्वालिटी का नाम इंडियन मरमरा वाइट जो कि एक इम्पोर्टेड मटेरियल आता है, उसकी प्राइस आती है 220 रुपीज़ से लेके अबोव 300 रुपीज़ तक का वो आता है। सेम लुक ऐसा ही आता है उसका भी, मतलब इतना भी मिलता जुलता आप उससे कंपेयर करोगे तो बिल्कुल आपको मिलता जुलता ही लगेगा। उसी लुक के अंदर अपने पास में ये इंडियन क्वालिटी अवेलेबल है और इन तीनों की जो एक ही प्राइस है, तीनों अपने पास में 65 रुपीज़ में यहाँ पे अवेलेबल हैं। बिल्कुल आपको वही फील देंगे जो मरमरा वाइट आता है, डिक्टो आपको वही लुक मिलेगा। इस वीडियो में आज अपन ने कोशिश की है कि आपको वो मटेरियल दिखाया जाए जो आपकी इटालियन लगाने की एक इच्छा को भी पूरा करे और इटालियन वाला लुक भी दे। तो इसमें जो भी मैंने आज क्वालिटीज़ दिखाई है आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी और आपको इटालियन लगाने का मन है बट आपको बजट अलाउ नहीं कर रहा है कि काफ़ी हैवी हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप इन क्वालिटीज़ में जा सकते हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी है और आपके घर को एक बहुत ही सुंदर लुक देगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आगे और भी हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगले नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू।